हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मलान व्लॉग्स एंड टॉक्स। और आज आपको हम लेके चलेंगे जलंधर की ट्रिप पे। और सबसे पहले कवर ये वीडियो रहेगा तीन पार्ट्स में, और पहला पार्ट रहेगा नकोदर का, और बताएंगे आपको नकोदर की ब्यूटी कैसी है। नकोदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, और कैसी है वो तो आप वीडियो में देख ही लोगे। दूसरा पार्ट हमारा रहेगा हवेली जलंधर का, और उसमें पूरा ओवरव्यू देंगे हवेली का, उसमें क्या एंट्री है, कैसे है और क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, वो सब आप देखोगे वीडियो में। और तीसरा पार्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ वंडरलैंड का, क्योंकि और वैसे भी वंडरलैंड का बहुत लंबा पार्ट हो सकता था अगर मैं पूरा वीडियो शूट करके डाल देता, तो हम काफ़ी कट करके वीडियो डाला हुआ ताकि छोटे वीडियो में सारा ओवरव्यू हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि कैसा है, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या बच्चों के लिए है, क्या बड़ों के लिए है और कैसा माहौल रहता है वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा पहला वीडियो रहेगा नकोदर का। तो अभी नकोदर को एंजॉय कीजिए आप, देखिए कैसा है। तो लेट स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है वो होटल जहाँ हम ठहरे हैं जलंधर में, होटल प्रगति। तो अब हम पहुंच चुके हैं जलंधर, और अभी हम जाएंगे नकोदर, वो भी आपको अपडेट करेंगे। आ गए हैं ये नकोदर में, बाबा लाडी शाह की दरगाह है, ये देखिए। बाकी मैं अंदर जाके बताता हूँ कि कैसा है। तो गाइस ये है बाबा मुराद शाह जी की दरगाह नकोदर में, जलंधर में। ये बाहर आप जाम देखो, ये सामने जोड़ा घर है, यहाँ पे आप अपने चप्पल वगैरह सबमिट करवा सकते हो, बाद में ले सकते हो यहाँ से। ये एंट्रेंस है, ये है यहाँ की लोकेशन, देखिए कितना शांत माहौल है यहाँ पे, देखिए कितना शांत माहौल है। ये यहाँ की लोकेशन है पूरी। देखिए क्या व्यू है, देखिए क्या व्यू है यहाँ से। मैं बहुत देर से मैं सोचा हुआ था कि मैं एक बार जाऊंगा ज़रूर, तो आज फाइनली मैं पहुंचा हूं यहां पे। वहाँ तो ये उधर चढ़ा के ही अंदर जाएंगे ना। गाइज ये प्रसाद घर है, यहां से आप प्रसाद खरीद सकते हो। फिर वहाँ ये सारी प्लेस है, फिर वहाँ सामने से अंदर जाना आपको। अभी मैं अगर अंदर से हो सका पॉसिबल तो ज़रूर बताऊँगा आपको। तो गाइस ये एंट्री है, एंट्री गेट है। कोई बात नहीं, सुकून है। फ्रेंड्स ये है अंदर का नज़ारा, ये देखो टेक्सचर देखो कितना अच्छा है, और रूफ का और ये झूमर कितना गहरा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे महल जैसा। ये यहाँ पे सामने बाबा लाडी शाह जी की चीज़ें रखी हैं, और बाकी जो सामान वो यूज़ करते थे वो सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली हम लंगर का वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि लंगर में अलाउड नहीं था, हमने बोर्ड को लगा बट अलाउड नहीं है, मैं बैक साइड पर भी लेके जाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये नज़ारा पीछे का आप देखो, कितना प्यारा नज़ारा है ये, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता।
ये झील टाइप है और पूरा इसका राउंड है एक। ये देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ से पूरा घूम के वहाँ वो सामने भी दिख रहे होंगे आपको पेड़। ये देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखो, ये पार एकदम, सामने घाट जैसा, ये बताओ कहाँ पे बाहर, और वहाँ पे आपको डक्स भी दिखेंगी। ये एक टेंपल है और ये डक्स है यहाँ पे, ये देखो यहाँ बताता हूँ आपको, वो देखो तो यहाँ से दर्शन करने के बाद एग्जिट है। एक मिनट, तो ये है एग्जिट होने का रास्ता, तो हम बाहर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलती रहें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा इसका दूसरा पार्ट वो रहेगा हवेली जलंधर का। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।